26/11 के मुंबई हमले को लेकर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। अपनी आत्मकथा लेट मी से इट नाउ में उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI 26/11 हमले के जरिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सामने रखना चाहती थी। ISI मुंबई हमले के सभी आतंकवादियों को हिंदू साबित करना चाहती थी। हिंदू साबित करने के लिए उनके साथ फर्जी आई कार्ड भेजे गए थे। कसाब के पास भी एक ऐसा ही आई कार्ड मिला था जिस पर समीर चौधरी लिखा हुआ था। मुंबई में कई मासूमों की हत्या करने वाले अजमल कसाब के बारे में मारिया अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू दिखने के लिए कसाब ने अपने दाएं हाथ की कलाई में कलावा यानी मौली भी बांध रखा था। पुलिस की ओर से जारी कसाब की फोटो में कलावा देखा जा सकता है। उधर इस खुलासे के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। टेरर का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। और झूठे आरोपों पे कुछ लोगों को जो फंसाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी उस समय, उसकी हमारी सरकार घोर निंदा करती है। देश के नंबर 1 दुश्मन दाऊद इब्राहिम के बारे में भी इस किताब में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। राकेश मारिया ने किताब में लिखा है कि अजमल कसाब मुंबई हमले का सबसे बड़ा और एकमात्र सबूत था, इसलिए दाऊद इब्राहिम के गैंग को कसाब को मारने की सुपारी मिली थी। हालांकि मुंबई पुलिस हर कीमत पर कसाब को बचाकर उसे सजा दिलवाना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना और NCP के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है। एक ओर जहां भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले को NIA को सौंपे जाने से NCP चीफ शरद पवार नाराज हैं, तो वहीं अब CAA और NPR पर भी दोनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर CAA और NPR का खुलकर बचाव किया है। CAA और NRC दोनों अलग अलग हैं और NPR अलग है। किसी को भी CAA लागू होने से चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें NRC नहीं है और हम राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे। हालांकि शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी ने CAA के खिलाफ संसद में वोट दिया है, ऐसे में वो भी झुकने वाले नहीं है। ठीक है, उनका कुछ व्यू है, उनका वो अधिकार है अपना व्यू रखने के लिए। जहाँ तक NCP की बात है, NCP ने पार्लियामेंट में ये जो बातें सामने आई इसके खिलाफ हमने वोटिंग किया है, हमने अपोज किया। यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है, सब इशू पर बिल्कुल 100% यूनानिमिटी होती है, ऐसे कुछ नहीं। कुछ इशू तक यहाँ भी यूनानिमिटी अच्छी बात है, जहाँ नहीं वह हम बातें करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। उधर भीमा कोरेगांव हिंसा पर भी महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यलगार परिषद केस की जांच केंद्र को सौंपी गई। भीमा कोरेगांव केस की जांच नहीं और ये दोनों अलग अलग मामले हैं। यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव दो अलग अलग मामले हैं। भीमा कोरेगांव मामला मेरे दलित लोगों से जुड़ा हुआ है और मामले से संबंधित जांच अभी तक केंद्र को नहीं दी गई है और इसे केंद्र को नहीं सौंपा जाएगा। केंद्र ने यलगार परिषद के मामले को संभाला है। उद्धव ठाकरे भले ही यलगार परिषद केस और भीमा कोरेगांव केस को अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने एक बार फिर जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर सरकार के दावों में दम है तो फिर अब तक क्या सबूत आए ये भी दिखाना चाहिए। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा केस को लेकर CM उद्धव ठाकरे और NCP चीफ शरद पवार के बीच लगातार खींचतान चल रही है। केंद्र सरकार ने भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े यलगार परिषद केस NIA को सौंपा है, जिस पर शरद पवार ने ये कहते हुए आपत्ति जताई थी कि CM उद्धव ठाकरे को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।